हेलो बच्चों तो आज हम साइंस के क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट ओके अवर लाइफ लाइन ओके तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ओके okay. सबको पता है कि फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों है ना तो फॉरेस्ट उसे कहते हैं ठीक है कि किसी एरिया में है ना आ, किसी लैंड में जब लैंड जो है वो फुल कवर होते हैं ट्रीज से ओके okay. ठीक है उस लेन पे आ, पूरा ट्री जो है पेड़ जो है वो बड़े होते हैं ठीक है बहुत सारे वेराइटी के साथ उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं ओके द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव फ्रॉम अटन वर्ड फॉरेस्ट विच मीन्स आउट ऑफ डोर है ना देखो ये जो वर्ड फॉरेस्ट जो है वो कहां से डिराइव हुआ है लेटन वर्ड फॉरेस्ट से है ना जिसका मतलब है आउट ऑफ डोर ओके द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लांग्स एंड वाटर प्यूरिफाई सिस्टम इन नेचर है ना फॉरेस्ट को ग्रीन लांग्स भी कहते हैं है ना और वाटर को प्यूरिफाई भी करते हैं ठीक है फॉरेस्ट ओके अ फॉरेस्ट इज एन एरिया और अ पार्ट ऑफ अ लैंड दैट इज कवर विद ट्रीज एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स है ना ये मैंने कहा था आपको ओके okay? इट इंक्ल्यूडस वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एस ट्रीज शब प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स है ना देखो इस फॉरेस्ट में क्या क्या पाए जाते हैं ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ट्रीज है है ना जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उसको हम ट्रीज कहते हैं है ना शब जो ठीक है शब होते हैं जो छोटे छोटे जाड़ियां होते हैं उसको हम शब कहते हैं ठीक है हर्ब्स उसे कहते हैं जो छोटे छोटे ग्रस होते हैं है ना जैसे कि ग्रस होते हैं है ना उसको हम हर्ब्स कहते हैं प्लांट्स है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाइल्ड एनिमल्स है ना जैसे कि एलिफेंट हुआ डियर हुआ ठीक है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी फोरेस्ट में पाए जाते हैं ओके और बहुत सारे बर्ड्स भी ओके बच्चों ठीक है तो देखो जहां पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक साथ रहते हैं ठीक है उस एरिया में उसको हम बायो डायवर्सिटी कहते हैं ठीक है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच टूगेदर मेक अ गुड एंड हेल्दी एनवायरमेंट ठीक है ओके देखो उस एरिया में उस लैंड पे बहुत सारे एनिमल्स है बहुत सारे प्लांट जो है एक साथ रहते हैं उसको हम बायो डायवर्सिटी भी कहते हैं ओके ठीक है दे ऑल्सो इंक्लूड नॉन लिविंग और ए बायोटिक फैक्टर सच एस सनलाइट एयर न्यूट्रं वाटर एंड रोक्स ठीक है देखो अब फॉरेस्ट में नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं है ना ए बायोटिक फैक्टर या नॉन लिविंग थिंग्स है ना ए बायोटिक फैक्टर जैसे कि सॉयल हुआ है ना सनलाइट एयर न्यूट्रेंट वाटर एंड रोक्स ये सब भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ठीक है फॉरेस्ट सर्व वेरियस पर्पेस फॉर लिविंग ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज नेचर हैंड्स दे आर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है ना देखो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए है न फॉरेस्ट की वजह से हमारा जो एयर है वो पोल्यूटिड नहीं हो रहा है, है न फ्लड से हम बच रहे हैं है ना और बहुत सारे आ, फ्रूट है वूट्स है है ना इन सबके इन फॉरेस्ट के वजह से हमें मिल रहे हैं है ना ठीक है तो फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिसोर्सेस है ओके ठीक है अब देखो फॉरेस्ट आर होम्स ऑफ न्यूमेरस ऑफ प्लांट स्पीसीज है ना देखो फॉरेस्ट जो है बहुत सारे प्लांट के लिए क्या है होम है घर है ओके देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज फाउंड इन द फॉरेस्ट सच नीम बेम्बो शीशम पिक सेल अमला एंड टिको बहुत सारे प्लांट uh, जो है है ना वेराइटी ऑफ प्लांट जो है वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं है इसमें से कुछ प्लांट के नाम है नीम है बेम्बो है शीशम है सेल है अमला है टिक है, है है ना एलोंग विथ ट्रीज देर आर डिफरेंट हाफ शर्ब क्लाइम्बर क्रीपर्स ग्रासेस एंड प्लांट्स फाउंड इन फॉरेस्ट है न देखो ट्रीज के साथ बहुत सारे हाफ भी होते हैं हाफ मैंने आपको कहा था जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं है शर्ब जो होते हैं जो छोटे छोटे झाड़िया होते हैं है ना क्लाइम्बर जो एक, एक पेड़ से दूसरे एक पेड़ पर पे डिपेंड होके वो क्लाइंब करके जाते हैं है ना और क्रीपर्स है जो कि रेंगते हैं है ना ग्रासेस है एंड प्लांट्स फाउंड इन फॉरेस्ट है ना दिस प्लांट्स सर्व वेरियस पर्पजस फॉर द इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन बींग्स है ना इट इज अ नेचुरल हैबिटेट टू मैनी फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक बियर बेसन जैकल डियर एलिफेंट पोर्ट्यूपाइन एक्स्ट्रा है ना देखो वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारे फॉरेस्ट में रहते हैं है ना मैंने कहा था ठीक है तो उनके लिए भी ये जो फॉरेस्ट है वो उनका हैबिटेट है ठीक है जैसे कि बियर है बिसन है जैगल है डियर है एलिफेंट है, है है ना ये कुछ एनिमल्स के नाम है और बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं ओके ठीक है तो ये जो वर्ड हैबिटेट जो है वो उसे कहते हैं जहां पे एनिमल्स जो है वहां पे रहते हैं जिस जगह पे रहते हैं वहां पे उसको शेल्टर भी मिलते हैं है ना खाना भी मिलते हैं ठीक है जहां पे उसको पूरे फैसिलिटीज मिलते हैं वहां पे जो एनिमल रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं ठीक है अब देखो फॉरेस्ट जो है वो इन सारे एनिमल्स का हैबिटेट है ओके ठीक है द फॉरेस्ट ग्रो बायस जो फॉरेस्ट है वो खुद ब खुद ग्रो होते हैं है ना जो देखो जैसे कि हमारे घर पे जो प्लांट्स है उनको हमें पानी देना पड़ता है टाइम टाइम पे है ना खाद देना पड़ता है तभी प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं ठीक है बट फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं, ठीक है वो खुद ब खुद ग्रो होते हैं ओके दियर is no need of plants tree in the forest, as forest provided favorable environment condition to plant so that they can germinate and grow on their own hai na dekho ना ही हमें forest में plant लगाना पड़ता है है ना देखो ये एक plant से दूसरे plant में ठीक है इनका जो seeds है वो disperse होते हैं ठीक है एयर के थ्रू वाटर के थ्रू है ना या इंसेक्ट के थ्रू ठीक है तो एक जगह से दूसरे जगह पे ये खुद खुद ग्रो होते हैं ओके ओके बच्चों इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होते हैं ओके ये खुद खुद ग्रो होते हैं ओके ठीक है द फॉरेस्ट ग्रो बाय देव है ना देखो जो फॉरेस्ट है वो खुद ब खुद ग्रो होते हैं है ना देखो जैसे कि हमारे घर पे जो प्लांट्स होते हैं ठीक है वो उनको क्या चाहिए उनको टाइम टाइम पे पानी चाहिए है ना टाइम टाइम पे उन्हें पानी देना पड़ता है खाद देना पड़ता है है ना केयर करना पड़ता है उनका बट जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है ठीक है वो खुद ब खुद ग्रो होते हैं ठीक है ओके खुद बखुद ग्रो होते हैं ठीक है उनका जो सीड्स जो है है ना वो डिस्पर्स होते हैं एक से दूसरे जगह पे और वहां पे वो खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं ओके okay? ठीक है सीड्स जो डिस्पर्स होते हैं विद हेल्प ऑफ इंसेक्ट है ना एयर वाटर है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ये हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था है ना ठीक है देयर इज नो नीड ऑफ प्लांट ट्रीज इन फॉरेस्ट है ना एज फॉरेस्ट प्रोवाइडेड फेवरेबल कंडीशन टू प्लांट सो दैट दे कैन जर्मिनेट एंड ग्रो ऑन दियर ओन है ना देखो फॉरेस्ट में ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं ठीक है जहाँ पे आ, प्लांट जो है वो आ, जर्मिनेट होके खुद बखुद ग्रो होते हैं ठीक okay? तो है ओके ठीक है तो नेक्स्ट है क्राउन ऑफ ट्रीज है ना तो क्राउन जो है वो किसे कहते हैं ठीक है ट्रीज का क्राउन जो है वो कौन सा होता है ओके okay? देखो जैसे कि ये जो है वो क्या है स्टेम है है ना ये जो है इसको हम क्राउन कहते हैं इसको हम क्राउन कहते हैं इसको हम क्राउन कहते हैं ओके द ब्रंजी पार्ट ऑफ अ ट्रीज अबॉव द स्टेम इज नॉन एस अ क्राउन ऑफ अ ट्री है ना देखो ये क्या है स्टेम है स्टेम के अबव जो ब्रंची पार्ट ऑफ ट्री होते हैं यहाँ पे है ना बहुत सारे ब्रंच होते हैं ब्रंच पे क्या होते हैं बहुत सारे लीव्स होते हैं है ना दो ब्रांचि पार्ट ऑफ ट्री उसको हम क्राउन कहते हैं ओके ठीक है जैसे कि देखो यहाँ पे है ये सब जो है उसको हम क्राउन कहते हैं ठीक है क्राउन के बहुत सारे शेप होते हैं रेक्टेंगुलर जो है ओके ट्रायंगल शेप सर्कल ओके ठीक है ये सब जो है उसको हम क्राउन कहते हैं जो कि स्टेम के ऊपर जो प्रंशी पार्ट होते हैं उसको हम क्राउन कहते हैं ओके okay? नेक्स्ट है कैनोपी है ना तो व्हाट इज कैनोपी कैनोपी होता क्या है ओके इन द फॉरेस्ट डिफरेंट ट्रीज ग्रो टोल टूगेदर एन दियर ब्रांचेस एपियर एज द रूप ऑफ द फॉरेस्ट एस नो स्काई इज विजिबल थ्रू द्री दिस इज कॉल्ड अ केनोपी है ना देखो अब देखो कैनोपी जो है बहुत सारे ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट में होते हैं है ना जो कि उनका जो ब्रांचि पार्ट है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं जुड़े हुए होते हैं ओके उनका जो ब्रांचि पार्ट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ठीक है उसको हम कैनोपी कहते हैं ठीक है अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ऊपर अगर और हम ऊपर देख रहे हैं तो स्काई जो है वो हमें विजिबल नहीं होगा क्यों क्योंकि जो ब्रं जो पार्ट है है ना वो एक ट्री से दूसरे ट्री से पूरा जुड़ा हुआ है ठीक है उसको हम कैनोपी कहेंगे ओके बच्चों है समझ में देखो जैसे कि ये जो टोल ट्रीज का ये जो ब्रं पार्ट है है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक है ठेके, इसको हम कैनोपी कहेंगे ओके ठीक है तो नेक्स्ट है अंडर स्टोरी ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लांट देट ग्रोस अब द फॉरेस्ट फ्लोर बट लोअर देन द कैनोपी दे, दे रिक्वायड लेस अमाउंट ऑफ लाइट इन ऑर्डर टू ग्रो है ना अब देखो अंडरस्टोरी क्या होता है ठीक है ये जो आ, केनोपी के नीचे जो छोटा छोटा ट्री होते हैं है ना उनको हम अंडरस्टोरी कहते हैं ठीक है जैसे कि ये छोटा छोटा प्लांट है ठीक है अब देखो अंडरस्टोरी जो है वो जो फ्लोर के ऊपर है ठीक है फ्लोर के फॉरेस्ट के फ्लोर के ऊपर है बट कैनोपी के नीचे है ठीक है जो यहां पे केनोपी के नीचे और फ्लोर के ऊपर जो प्लांट्स है ठीक है उसको हम अंडरस्टोरी प्लांट कहते हैं जिसको सनलाइट uh, की उतना जरूरत नहीं होते हैं ग्रो होने में है ना लाइट की उतना जरूरत नहीं होते हैं ग्रो होने में ओके okay. द फॉरेस्ट फ्लोर है ना नेक्स्ट है द फॉरेस्ट फ्लोर है ना द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डक कलर एंड कवर विथ अ लेयर ऑफ डेट एंड लीव्स फ्रूट सीड लिविंग एंड स्मॉल हब ठीक है देखो अब फॉरेस्ट जो फ्लोर है ठीक है बच्चों देखो ये ये जो फ्लोर है इसको हम फॉरेस्ट फ्लोर कहेंगे ठीक है जो कि कवर है ठीक है विद अ डेड एंड डिकेंग मैटर्स है ना जैसे कि लीव्स हुआ फ्रूट हुआ सीड हुआ है ना कोई एनिमल्स हुआ है ना या कोई स्मॉल हर्ब हुआ ठीक है उससे कवर होता है ओके जिसका कलर जो है वो क्या होता है डार्क कलर होते हैं उसको हम फॉरेस्ट फ्लोर कहेंगे ओके ठीक है ये जो है फ्लो फॉरेस्ट फ्लोर है है ना ये जो है अंडर स्टोरी है इसको हम कैनोपी कहेंगे ओके आया समझ में ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन है ना देखो देखो जो मैंने ऐसे रफली uh, थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है ठीक है देखो अब फूड चेंज होता क्या है ओके देखो ये क्या है Leaves है है ना ये इसको हम क्या कहेंगे प्रोड्यूसर प्रोड्यू Produ सर है ना देखो ये जो लीव्स है है ना जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं है ना सन विद हेल्प ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ना अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक है तो वो जो खाना जो है ठीक है वो कौन खाता है इंसेक्ट खाते हैं कैटरपिलर है है ना जो कि क्या है हर्बीवर्स है है ना जो कि सिर्फ क्या खाते हैं ग्रीन प्लांट्स खाते हैं जो कि क्या है हर्बीवर्स है है ना नेक्स्ट है देखो लीव्स को कौन खाता है इंसेक्ट है ना कैटरपिलर कोई भी इंसेक्ट हो, हो सकता है सिर्फ कैटरपिलर ही नहीं खाते हैं बहुत सारे इंसेक्ट लीव्स को खाते हैं जो कि हर्बी वायरस है ओके फिर उस हर्बी वायरस को इस इंसेक्ट को कौन खाते हैं केमेलियन खाते हैं ठीक है ठीके? जो कि क्या है करनी वायरस है ना, जो कि इंसेक्ट को खाते हैं ठीक है सिर्फ कैमेलियन ही नहीं बहुत सारे ऐसे कर्नी एनिमल्स हैं जो कि हर्बी को खाते हैं है ना फिर उस कर्निवर्स को कौन खाते हैं स्नेक खाते हैं ठीक है फिर स्नेक को कौन खाते हैं मिंगूस खाते हैं ओके तो इसी तरह फूड चेन जो है वो चलते रहते हैं ठीक है ओके फिर कैमलियन को आ, किसी इंसेक्ट ने खा लिया है ना या फिर कोई कोई दूसरे एनिमल्स हुआ ठीक है फिर उस इंसेक्ट को किसी मैंगूव ने खा लिया फिर स्नेक को आ, किसी या फिर किसी दूसरे एनिमल्स ने खा लिया ठीक है तो इसी तरह फूड चेन जो है वो चलते रहते हैं ठीक है ऑटोट्रोप्स तो को हर्बी ने खा लिया हर्बी को कॉर्नी ने खा लिया ठीक है ओके बच्चो ओके ठीक है अब देखो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर डिपेंडेंट ऑन इच अदर है ना देखो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमारे आर्थ पे जो आ, बहुत सारे एनिमल्स हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ठीक है जैसे कि हर्बी वर्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है है ना कर्वनी वर्स जो है वो हिटोट्रॉप्स पे डिपेंड है ठीक है और ओमनी वर्स भी होते हैं जो कि कर्निवरस और हर्बी वॉर्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं ठीक है जो कि मीट और घास दोनों खाते हैं है ना ओके okay. फॉर इंस्टेंट हर्बी वॉरस फूड ऑन प्लांट्स एंड कर्निवर्स डिपेंड अपॉन हर्बी वॉर्स है ना देखो हरबी वर्स जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे ऑटोट्रॉप्स तो पे है ना और कर्निवॉरस जो है वो हरबी वॉर्स पे डिपेंड होते हैं ओके दिस चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग डिपेंडेंट ऑन एच अदर फॉर दियर फूड अ फूड चेन ठीक है ये जो चेन है जो एक दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए है ना तो उसको हम फूड चेन कहेंगे ओके जैसे कि ग्रास जो है वो इंसेक्ट ने खा लिया इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया फ्रॉग को स्नैक ने खा लिया स्नेक को ईगल ने खा लिया या मैंगूस ने खा लिया ठीक है तो इसको हम फूड चेन कहेंगे है ना यो ये जो है वो एक दूसरे पे किसके लिए डिपेंड है खाने के लिए डिपेंड है? है ना खाने को के लिए खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं है ना उसको हम फूड चेंज कहेंगे ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमस है ना बच्चों ह्यूमस uh, जो है वो हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था है ना जो डेड एंड डिकेंग मैटर्स होते हैं ठीक है ठीके? जो सॉइल के ऊपर डेड एंड डिकेंग मैटर्स होते हैं ठीक है ठीके? उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ, उनको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में है ना उसको हम ह्यूमस कहते हैं जो डेड एंड होते हैं उसको हम ह्यूमस कहते हैं ठीक है देखो इट इज अ डार्क कलर सब्सटेंस फाउंड इन द सोयल जो सोयल के ऊपर जो डार्क कलर होते हैं उसको हम ह्यूमस कहते हैं जिसमें डिकिंग मैटर्स होते हैं लीव्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना ह्यूमस इज मेड फ्रॉम डेट एंड डनिज्म है ना द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव अपॉन दनवर्ट इन टू ह्यूमस है ना जो डिकिंग मैटर्स के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं उस डिकिंग मैटर को ह्यूमस में ओके okay? अब देखो नेक्स्ट हमारा है डिकम्पोजर ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजर है ना द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमसर है ना देखो अब जो ह्यूमस क्या है जो डिकिंग मेटर्स है, है ना उनपे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो की डिकिंग मेटर्स को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में है ना तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम डिकम्पोजर कहेंगे ठीक है ओके okay, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिकम्पोजर कहेंगे जो कि कन्वर्ट करते हैं डिकेंग मेटर्स को ह्यूमस में ओके okay, देखो अब है व्हाट हैपन इफ एन एनिमल्स डाई इन द फॉरेस्ट ठीक है अगर कोई एनिमल्स फॉरेस्ट में मर जाता है तो उसका क्या होता है ओके द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर यूज बाय प्लांट्स इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ठीक है वो प्लांट्स है इंसेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूज करते हैं ठीक है व्हेन दे डाई देयर रिमेन आ टर्न इंटू ऑर्गेनिक मैटर बाय द डिकम्पोजर ठीक है जब ये इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल्स जो है मर जाते हैं ठीक है तो जो बचा हुआ जो उनका जो बॉडी uh, है डेड मैटर्स है डिकेंग मैटर जो है वो टर्न होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में ठीक है डिकम्पोजर के थ्रू है ना डिकम्पोजर जो है वो उनका uh, जो रिमेन जो बॉडी है है ना उनको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है दिस कीप दॉयल फर्टाइल इन द फॉरेस्ट एंड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स है ना देखो जिसकी वजह से सोयल जो है वो फर्टाइल होते हैं है ना और दोबारा सोयल में जो कि प्लांट्स और इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो सोयल से जो न्यूट्रेन लिया था वो फिर से सोयल में रिसाइकल हो जाते हैं फिर से सोयल में पहुंच जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो है ओके तो इसी तरह फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी रिसाइकल होते हैं ओके ठीक है अब देखो नेक्स्ट है वाई फोरेस आर कोल्ड ग्रीन लंग्स है ना फोरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है ठीक है देखो बच्चों लंग्स क्या होता है है ना लंग्स जो है वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन लेते हैं है ना उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करते हैं प्रोवाइड है करते हैं ठीक है थेके? है ना तो फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉरेस्ट जो है ऑक्सीजन को पूरे इन्वायरमेंट में सप्लाई करते हैं ठीक है इसलिए फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा जाता है ठीक है नो देट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन है ना ठीक है अब देखो प्लांट्स जो है वो क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन uh, जो है बाहर छोड़ते हैं है ना हैंस द प्लांट इन द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स एंड दियर एनिमल्स प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स है ना देखो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन uh, को एन्वायरमेंट uh, में छोड़ते हैं है ना एनिमल्स के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए है ना और जो एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है ना ठीक है एनिमल जो है वो क्या छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि प्लांट्स लेते हैं है ना और प्लांट्स क्या छोड़ते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि एनिमल्स लेते हैं इसी तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस होता है ओके ठीक है अगर प्लांट्स को हम काटते जाएंगे काटते जाएंगे ठीक है ठीक है तो क्या होगा हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ते जाएंगे है ना प्लांट्स तो है नहीं ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए है ना एनिमल्स जो है वो बहुत सारे हो गए हैं है ना? जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएंगे और क्या होगा इसका इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना गर्मी ज्यादा होगी ओके इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए है ना इन दिस वे अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन इन द एटमोसफियर इन फॉरेस्ट दिस इज द रीजन वाई फॉरेस्ट आर कोल्ड ग्रीन लंग्स है ना देखो प्लांट एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो ठीक है तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं है ना इसीलिए प्लांट्स को फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा गया है ठीक है क्योंकि फॉरेस्ट जो है इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं ओके बच्चों अब देखो नेक्स्ट है वाई फॉरेस्ट आर कोल डायनेमिक लिविंग एंटिटी है ना देखो अब डायनेमिक क्या होता है डायनेमिक उसे कहते हैं जो जो प्रोसेस जो है वो चलता हुआ है ना जो कि रुकते नहीं है ओके

ऑटोड्रॉप है, है ना सनलाइट के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं है, है ना तो वो जो प्लांट्स है उनको कौन खाते हैं इंसेक्ट खाते हैं है, है ना तो इंसेक्ट frog, frog को कौन खाते हैं फ्रोक फ्रॉक को कौन खाते हैं स्नेक है, है ना तो वो ये जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड है है ना ओके okay, एक दूसरे को खाने दे, खाना दे रहे हैं हेल्प कर रहे हैं ओके ठीक है okay? तो ये जो प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा है ना ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा है ना ये रुकेगा नहीं है ना देखो ठीक है तो ये जो आ, कभी ना कभी ये जो एनिमल्स है ये जो स्नेक है वो मर जाएगा है ना तो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन लेगा फिर प्लांट्स लेंगे है ना सोयल लेंगे सोयल का तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन लेगा प्लांट्स लेंगे फिर प्लांट ग्रो होंगे फिर प्लांट्स को इंसेक्ट खाएंगे फिर इंसेक्ट को फ्रॉक खाएंगे तो ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा ठीक है इसलिए फॉरेस्ट को डायनेमिक लिविंग इंटिनिटी कहा गया है डायनेमिक मतलब जो चलता रहता है ठीक है जो प्रोसेस जो चलता रहता है ओके द हर्बी वर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड है ना जो हर्बी वर्स है जो ग्रीन uh, प्लांट्स खाते हैं ठीक है थेके? वो डिपेंड है किस पे प्लांट पे है ना ओके और जो करनी वॉरस है जो मीट um, खाते हैं वो किस पे डिपेंड है हर्बी वर्स पे जो कि प्लांट्स खाते हैं ठीक है थेके? ओके द डिकिंग मैटर्स ऑफ डेड एनिमल्स प्लांट्स है ना एंड दियर एक्सक्रेट एनेबल द ग्रोथ ऑफ मोर प्लांट बाय प्रोवाइडिंग एडिक्यूट न्यूट्रिय टू ग्रो है ना देखो जो डिकिंग मैटर्स है जो डिकिंग uh, मैटर्स है जो जिन एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है ठीक है जो उनमें जो न्यूट्रिय होते हैं वो कौन लेते हैं फिर सोयल एबजॉर्ब कर लेते हैं है ना जो डिकेइंग मेटर्स है डिकम्पोजर के थ्रू जो डिकेंग मेटर्स है वो कन्वर्ट होते हैं ह्यूमस में है ना तो ह्यूमस में जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर कौन लेगा प्लांट्स लेंगे है ना प्लांट्स फिर ग्रो होंगे तो ये इसलिए ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा ठीक है द डिकम्पोजर डिकेइंग द डेड मैटर्स इन द फॉरेस्ट एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हैंड फॉरेस्ट आर कोल्ड डायनेमिक लिविंग इंटे इंटिटी है ना इसलिए फॉरेस्ट को डायनेमिक लिविंग इंटिटी कहा गया है आए समझ में जो प्रोसेस रुकता नहीं है चलता रहता है ओके हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड एंड सोयल इरोजन ठीक है अब देखो फॉरेस्ट जो है वो कैसे प्रिवेंट करते हैं फ्लड से और सोयल इरोजन से ओके द फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्वर एंड द रेन वाटर टू seep into the earth as a result the water table of area near the forest is high है ना देखो अब क्या होता है ठीक है फॉरेस्ट जो है वो आ, एक्ट करते हैं नेचुरल absorber ठीक है जो कि जब बारिश होते हैं तो क्या करते हैं फॉरेस्ट जो होते हैं ठीक है वो आ, बारिश का जो पानी है वो सिप करते हैं ठीक है इन टू द अर्थ है ना एस ए रिजल्ट द वाटर टेबल ठीक है वाटर टेबल देखो बच्चों ये है ठीक है ठीक है देखो बच्चों वाटर टेबल ये है ठीक है ये जो है वो सोयल है है ना यहाँ पे सोयल है जहां पे ह्यूमस होते हैं ओके ठीक है तो ये जो है वो प्लांट्स का रूट्स है, है ना तो जहां पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे अगर वहां पे बारिश होगा तो वो बारिश जो है वो आ, रूट प्लांट्स का जो रूट है वो उस रेन वाटर को सिप कर देगा ठीक है अपने अंदर लेगा एब्जॉर्ब करेगा ठीक है तो वो वाटर जो है वो कहाँ पहुंचेगा फिर वाटर टेबल में है ना तो जहां पे फॉरेस्ट है ठीक है वहां पे वाटर टेबल जो है वो ठीक हाँ है वो हाई होते हैं ठीक है मतलब ग्राउंड वाटर वहां पे ज्यादा होता है ओके इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा प्लान लगाओ है ना ठीक है इसलिए रूट जहां पे बहुत सारे प्लांट्स हैं वहां पे फ्लड जो है वो बहुत ही कम आते हैं वहां पे फ्लड जो है वो आते ही नहीं है ओके द फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लो वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड्स है ना देखो फॉरेस्ट क्या करते हैं जो वाटर uh, का जो फ्लो है वाटर का जो स्पीड है फ्लो का है ना उसको कंट्रोल करते हैं ठीक है जिससे फ्लड को प्रिवेंट करते हैं बचाते हैं फ्लड होने से ओके दिस इज बिकॉज द प्लांट एंड ट्रीज प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम डायरेक्टली फ्लोइंग अवे है ना जिसकी वजह से देखो प्लांट्स और ट्रीज जो है वो जो बारिश uh, के वजह से जो uh, वाटर का जो फ्लो है उसको कम कर देते हैं ठीक है इन दिस वे फॉरेस्ट एलो आ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ वाटर टू द नियर बाय स्ट्रीम है ना ओके जहां पे स्ट्रीम होते हैं फॉरेस्ट के आसपास पास पे वो लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं सप्लाई ऑफ वाटर को ओके अल्सो द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सोयल एंड प्रिवेंट हैवी रेनफॉल ऑलवेज फॉर्म फ्लोइंग इट अवे हैंड्स दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इन है ना देखो जो रूट्स है प्लांट्स का जो रूट है, है ना? वो क्या होते हैं सोयल में बैंड होते हैं ओके ठीक है जो सॉइल के ऊपर जो ह्यूमस होते हैं ठीक है तो प्लांट्स का जो रूट है वो उन्हें पकड़ के रखते हैं ठीक है ठेके? इसलिए जो जब रेनफॉल होते हैं जब बहुत तेज हैवी रेनफॉल होते हैं ठीक है तो वो जो आ, सोयल के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स है ह्यूमस है उनको अपने साथ फ्लो करके नहीं ले जाते हैं क्यों क्योंकि रूट्स ने उन्हें पकड़ के रखा हुआ है ठीक है इसके वजह से सोयल इरोजन होने से बचते हैं ओके हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट पोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट पोल्यूशन होने से कैसे बचाते हैं ठीक है एयर अल्सो रिमेन कूल है ना देखो आप फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं ठीक है बच्चों अपने ट्रांसपेरेशन के ट्रांसपेरेशन के बारे में पढ़ा होगा है ना देखो प्लांट्स क्या करते हैं है ना प्लांट जो है ठीक है जो सोयल में जो पानी होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं है ना और अपना खाना बनाते हैं और जो बचा हुआ जो आ, एक्स्ट्रा जो वाटर है वो क्या करते हैं लीव्स के थ्रू एटमोसफेयर में बाहर आ जाते हैं उसको हम ट्रांसपेरेशन कहते हैं ठीक है ओके देखो अब जहां पे फॉरेस्ट होगा ठीक है वहां का एटमॉस्फेयर जो है वो कूल होगा क्यों क्योंकि प्लांट जो है वो क्या करते हैं ट्रांसपेरेशन करते हैं है ना वाटर वेपर्स को बाहर छोड़ते हैं ठीक है जिसकी वजह से एटमोसफेयर जो है वो रिमेन कूल होगा ठीक है नॉइस पोल्यूशन टू इस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइस ऑफ नियर बाय हाईवे है ना अब देखो जहां पे हाईवे uh, है उसके आसपास कहीं अगर फॉरेस्ट होगा ठीक है तो हाईवे का जो शोर है नॉइस पॉल्यूशन है वो फॉरेस्ट जो है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है वी नो द प्लांट्स गेट रेड ऑफ एंड एक्सिट वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेशन है ना लीव में जो स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू वाटर वेपर जो है वो बाहर आते हैं उसको हम ट्रांसपेरेशन कहते हैं ओके okay, बच्चों ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओके ठीक है अब देखो फॉरेस्ट जो है वाटर साइकिल को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं ठीक है ओके बच्चों इन दिस प्रोसेस द वॉटर रिलीज एज अ वॉटर वेपर इन द एटमोस्फेयर द फॉरेस्ट इंक्रीज द वॉटर वेपर कंटेन इन द एटमोसफेयर है ना दिस वॉटर वेपर कंटेन्स एंड फॉर्म क्लाउड विच लीड्स टू इंक्रीज रेनफॉल इन द एरिया है ना अब देखो वॉटर साइकिल आपको पता है मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था है ना देखो अब ये जो वॉटर बॉडीज है, है ना जब इनपे सनलाइट का हीट पड़ते हैं ठीक है थेके? तो ये वार्म अप हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं ठीक है जिससे वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में राइज अप होना स्टार्ट होते हैं जिसको हम इवोपेरेशन कहते हैं जिसको हम इवोपेरेशन कहते हैं है ना वाटर जो है वो वाटर uh, वेपर के फॉर्म में एटमोसफेयर में जा रहे हैं, ठीक है जिसको हम इवोपरेशन कहते हैं ठीक है तो वो वाटर वेपर uh, जो है वो देखो हमारा जो टेम्परेचर जो है जितना हाई होगा उतना टेम्परेचर जो है वो लो होगा ठीक है ठीक है एक टाइम ऐसा आएगा जो वाटर वेपर जो है वो क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्लाउड में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं ठीक है ठीक है तो वो जो क्लाउड है उसमें वाटर का वाटर ड्रॉपलेट जो है वो बढ़ता जाएगा है ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्लाउड जो है वो बहुत हैवी हो जाएगा ठीक है तो उनमें जो वाटर ड्रॉपलेट है वो फॉल हो जाएगा जिसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ओके ठीक है इसलिए हम कहते हैं फॉरेस्ट प्रिजर्व द वाटर साइकिल है ना देखो फॉरेस्ट uh, जहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे जंगल होंगे वहां पे बारिश भी ज्यादा होगा क्यों क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं ट्रांसपीरेशन करते हैं क्या होता है ट्रांसपीरेशन जो लीव से जो वाटर वेपर रिलीज होते हैं उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं ठीक है जितना ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा ट्रांसपेरेशन ज्यादा होंगे इवपोरेशन ज्यादा होंगे ठीक है तो वाटर साइकिल जो है वो प्रिजर्व होगा है ना तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूस होता रहेगा ओके द रेन वाटर गेट्स इन टू ग्राउंड एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल हेन्स फॉरेस्ट प्रिजर्व द वाटर साइकिल है ना देखो जितना बारिश ज्यादा होगा ठीक है जहां पे फॉरेस्ट है तो ट्रीज का जो रूट्स है वो उन पानी को एब्जॉर्ब करेंगे है ना जिससे जो अंडरग्राउंड में जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है अब देखो इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट अब फॉरेस्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, है ना ओके ये आपको आपके दिमाग में जट से आ जाएगा है ना फॉरेस्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है इतना सारा हमने टॉपिक पढ़ा है है ना देखो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन है ना फॉरेस्ट जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं है ना फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स भी कहते हैं है ना दे प्रोटेक्ट सॉयल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स है ना फॉरेस्ट क्या करते हैं सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और बहुत सारे एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं ठीक है फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड्स रेनफॉल एंड इन नेबरिंग एरिया है ना फॉरेस्ट क्या करते हैं uh, बारिश लाते हैं ठीक है ठीके? जो नेबरिंग एरिया है है ना uh, जो फॉरेस्ट के आसपास जो uh, जगह है जो गांव है वहां पे रेनफॉल अच्छा लाते हैं फॉरेस्ट है ना दे आर सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स टिम्बर एंड मैनी अदर्स है ना फॉरेस्ट में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं है ना टिम्बर्स होते हैं और मैनी अदर ओके ठीक है बच्चों अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफोरेस्टेशन है ना डिफोरेस्टेशन क्या होता है, है ना? डिमोलिशिंग द फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल स्कोल डिफोरेस्टेशन है ना देखो फॉरेस्ट को जब हम डिमोलिश करते हैं खत्म करते हैं काटते हैं है ना एट अ लार्ज स्केल ठीक है उसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं ठीक है दिस लीड्स टू सर्वरल इल इफेक्ट सचेस है ना जिसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट होते हैं है ना फॉरेस्ट कटने से बहुत सारा नुकसान होते हैं जैसे कि मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स देयर नेचुरल हैबिटेट है ना बहुत सारे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो अपना हैबिटेट uh, खो देते हैं ठीक है बींग अनएबल टू फाइंड अ सुटेबल इन्वा टू लीव दे मे डाई और सम एक्सटेंड इवेंचुअली है ना देखो फॉरेस्ट कटने के वजह से उन एनिमल को ऐसा फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलते हैं ठीक है जहां पे वो लोग रह सके इसलिए बहुत सारे एनिमल जो है वो मर जाते हैं है ना और कुछ एनिमल जो है वो एक्सटें हो जाते खत्म हो जाते हैं उनका जो जीन है उनका जो स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाते हैं एक्सटेंट हो जाते हैं ठीक है हेंस डिफोरेस्टेशन रिजल्ट इन लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ओके इट लीड्स टू चेंज इन द क्लाइमेट है ना अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो क्लाइमेट में भी चेंजेस आएंगे क्यों क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं है ना अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला भी नहीं होंगे तो क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे गर्मी आएंगे है ना विदाउट एनी ट्रीज द वाटर साइकिल गेट डिस्टर्ब एंड द सोयल ड्राइज आउट है ना बिना ट्रीज के वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएंगे है ना और सोयल भी ड्राई हो जाएंगे ठीक है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे ओके इंक्रीज फ्लड फ्लड बहुत ज्यादा हो जाएंगे जब फॉरेस्ट ही नहीं होगा है ना प्लांट्स ही नहीं होंगे रूट्स ही नहीं होंगे तो फ्लड्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ओके इंक्रीज एयर पोल्यूशन ओके एयर पोल्यूशन में इंक्रीज हो जाएंगे इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जिसके वजह से क्या होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा है ना ओके okay, बच्चों ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि हमें जितना हो सके प्लांट्स लगाना चाहिए है ना ना कि डिफोरेस्टेशन करना चाहिए ओके तो इसके साथ हमारा ये फॉरेस्ट चैप्टर जो है वो खत्म होते हैं ओके बच्चों Thank you.